भक्त के सामने सांप के रूप में प्रकट हुए भगवान, सभी भक्तों ने किए साक्षात दर्शन। गुजरात के भावनगर से पैदल यात्रा तय करके बाबा की समाधि के दर्शन करने आए राणा भगत व उसके साथ 40 समर्थकों ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने की मांग को लेकर समाधि के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही 8 घंटे तक आसन लगाकर बैठे रहे। समाधि समिति के पदाधिकारी व पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें समझाइश दी गई कि लॉकडाउन होने की वजह से धार्मिक स्थल बंद है, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे कि जब तक दर्शन नहीं होंगे वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 8 घंटे तक मुख्य प्रवेश द्वार पर बैठे रहे। उनकी एक ही मांग थी कि उन्हें बाबा की समाधि के दर्शन कराए जाएं। तभी बाबा का चमत्कार हुआ। वह शाम 6 बजे आरती के समय मुख्य द्वार पर एक सांप कहीं से घूमते हुए आया, वहीं आसन लगाकर बैठे भक्तों के सामने मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही जाली में बैठा रहा। ऐसे में भक्तों ने कहा कि बाबा रामदेव स्वयं सांप के रूप में उनके सामने प्रकट हुए हैं, वह बाबा के साक्षात दर्शन उन्हें हो गए हैं। उनके साथ आए सभी भक्तों ने सांप के दर्शन करके बाबा रामसा पीर की जय जयकार करते हुए देर शाम को अपने अपने गंतव्य स्थल की तरफ प्रस्थान किया। ऐसे में पिछले 9 घंटे से आसन जमा कर बैठे सभी भक्तों के उठ जाने से पुलिस प्रशासन व समाधि समिति के पदाधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। कई भक्तों ने भक्त और भगवान के बीच की इस कड़ी के मनोरम नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद किया। गुजरात से पदयात्रा करके आए सभी गुजराती भक्त काफी खुश हुए और प्रसन्न नजर आए। क्या जी रामदेव जी महाराज, पहली तारीख व्रतधाम रणुजा थी, व्रतधाम थी हाली निकला था अने 20 तारीखे रणुजा पहुँचा अने 21 तारीखे मारे बापाना दर्शन करवा था। रामदेव जी महाराज मैं दर्शन न दो, समाधि दर्शन न करो, तो हूँ अन्न पानी मैं कीधु जमवा अन्न पानी छोड़ी दीधु तू। पी खुद रामदेव जी महाराज ने एवं जिज्ञासा लाइन बैठो तो कि कोई वस्तु नहीं पैसे शू। खुद रामदेव जी महाराज नाग परमाणे दादा बापाए खुद दर्शन दीधा समाधि में। मैं कीधु हे महाराज, हे रामदेव जी महाराज तू दर्शन दे नकर। मैं कीधु हाँ हूँ तारे सेठी में आयो छू, पण खुद रामदेव जी महाराज समाधि में थी एवं मन अंदर जिज्ञासा थी। बापा पोते नागदादा बनी पोते आई मैंने दर्शन दीधा पोते हूँ से अमरी जे जात्रा करी ई सफल में अमरे करी एवं हूँ से अमरा रामदेव जी महाराज चरण में मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँ छी। કે ઈષ્ટદેવને કે અમારે હું અમારી આશા મેં મારી આશા રામદેવજી મહારાજે પૂરી કરી અને હું બધા ભક્તોને દર્શન હોત દીધા, મને એકને તો દીધા પણ બધા ભક્તોને હર વાર એમને દર્શન દીધા. બોલીએ રામદેવજી મહારાજ.